भोजपुरी सिनेमा पर दो सुपर स्टारों को दर्शकों का सबसे ज्यादा प्यार मिलता रहा है। इसमें से एक है पावर स्टार पवन सिंह और दूसरे हैं मेगा स्टार खेसारी लाल यादव। इन दोनों के एक्टिंग से ज्यादा उनकी आवाज के दीवाने हैं भोजपुरी दर्शक। इन दोनों के फिल्में और गाने के रिलीजिंग का इंतजार भोजपुरी दर्शकों को बेसब्री से रहता है। लेकिन इन सब चीजों के बीच में क्या आपको मालूम है कि भोजपुरी के ये दोनों ही सुपर स्टार एक स्टेज शो के लिए कितना चार्ज करते हैं? 2023 में अगर इनसे कोई प्रोग्राम करवाना चाहता हो तो उनसे ये कितना फीस लेते हैं? अगर नहीं मालूम है तो आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। वीडियो आज का काफी इंटरेस्टिंग होगा, आप लोग अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। तो आइए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के बारे में। यदि स्टेज शो की बात करें तो खेसारी लाल यादव के कार्यक्रम को देखने के लिए लोग बेताब रहते हैं। यही वजह है कि इनके स्टेज शो में इतना भारी भीड़ होती है और कभी कभी हंगामा भी हो जाता है। ऐसे में खेसारी लाल यादव को कई बार कार्यक्रम बीच में ही रोकना पड़ता है। आपको बता दें, खेसारी लाल यादव केवल फिल्मों के लिए ही महंगी फीस नहीं लेते हैं बल्कि स्टेज शो को करने के लिए भी भोजपुरी के सबसे महंगे कलाकार है। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, अपनी एक स्टेज प्रोग्राम को करने के लिए लगभग 15 लाख तक रुपए वे चार्ज करते हैं। मतलब कि 2023 में अगर इनसे कोई प्रोग्राम करवाना चाहता है तो सबसे पहले उनको 15 लाख तक रुपए देना होगा, तब जाकर खेसारी लाल यादव प्रोग्राम में आएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह जी के स्टेज शो की चार्ज की। तो बताया जाता है कि पवन सिंह जी अपने एक स्टेज प्रोग्राम को करने के लिए 2023 में 12 से 15 लाख तक रुपए की फीस लेते हैं। इसके साथ पवन सिंह जी विदेशों में भी अपना स्टेज प्रोग्राम करते हैं और विदेशों में स्टेज प्रोग्राम को करने के लिए वे 30 से 40 लाख तक की रुपए की फीस लेते हैं। भोजपुरी के ये दोनों ही सुपर स्टारों के स्टेज शो की यदि उनके फैन को जानकारी मिल जाती है तो भीड़ इतना हो जाता है कि भीड़ को कंट्रोल कर पाना ही मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण पवन सिंह और खेसारी लाल यादव को कार्यक्रम बीच में ही रोकना पड़ता है। जब स्थिति सामान्य हो जाती है तब जाकर वह कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं और कार्यक्रम को करते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज की इस वीडियो में आप लोग भोजपुरी के ये दोनों ही सुपर स्टारों के स्टेज शो के चार्ज से रूबरू हो गए होंगे। यदि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।